हिमाचल प्रदेश में राज्य के सभी जल शक्ति उपमंडलों में वर्षा जल संग्रहण और जल संरक्षण के लिए कम से कम एक जल संरक्षण ढांचे का निर्माण किया जाएगा। जल संरक्षण की ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश के निर्वाचित प्रतिनिधियों से जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया है। प्रदेश में जल की गुणवत्ता जांचने के लिए जून माह के पहले पखवाड़े में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत गांव, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के जल के नमूनों की जांच प्रयोगशाला में की जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सभी जल स्रोतों की सफाई के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य जल गुणवत्ता और जल संरक्षण को एक जन अभियान बनाना है। जल शक्ति विभाग द्वारा 25 जनवरी 2021 को जल गुणवत्ता और संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो 24 जनवरी 2022 तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 3615 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर गांव के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी और गांव जल व सफाई समितियां गठित की जाएंगी। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसी ने ठीक कहा है कि आने वाले समय में अगर विश्व युद्ध होगा तो उसका मूल कारण हो सकता है, ऐसी भी परिस्थितियां बने कि उसका मूल कारण जो है उस युद्ध का पानी हो सकता है। पानी के लिए हम सब लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना है। यहाँ पंचायत के भी सभी चुने हुए प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया, आप लोगों के ऊपर नई जिम्मेदारी आई है और इस नई जिम्मेवारी के साथ साथ में मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पानी का संरक्षण करना और उसके साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमको प्लान करना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ में हम लोगों को किस तरह से जागरूक करके पानी को नष्ट होने से, बर्बाद होने से कैसे बचा सके, ये भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अभियान के रूप में हमको कार्यक्रम लेने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उसमें उस दिशा में भी काम करेंगे। मेहनत के साथ आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को, हमारे लोगों को पानी का संकट का सामना न करना पड़े, उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं ये भी घोषणा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के जल संरक्षण आह्वान के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जल शक्ति उपमंडल में स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान वर्षा के जल संग्रहण और जल संरक्षण के लिए कम से कम एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ताकि पानी का संरक्षण हम कर सकें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य जल शक्ति विभाग के HP वाटर बिल्स मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से लोग अपने फोन से पानी के बिलों का भुगतान कर सकेंगे। ये ऐप राज्य NIC द्वारा विकसित की गई है और उपभोक्ताओं को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI इत्यादि के माध्यम से बिल का भुगतान करने में सहायक सिद्ध होगी। ये ऐप 1 मई 2021 से प्रदेश के लगभग 13.5 लाख उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने 2.78 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग सिराज के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय भवन और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंजहली में 2.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान खंड का लोकार्पण भी किया। उन्होंने 4.22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जंजहली बस अड्डे का शिलान्यास भी किया। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ईमार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ईमार्ट संभाले।
उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ईमार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।